जी माता जी की, आज हम बनाएंगे ब्राउन राइस का पुलाव तंदूरी। बहुत ही सुपर होगा, बहुत ही टेस्टी होगा, एकदम न्यू तरीका होगा पकाने का। तो मित्रों बहुत ही बढ़िया, देखिए मैंने चावल 3 पानी से धो के भिगा दिया है, 1 घंटा हो चुका है। तो मेरे पास ये चावल है, वो आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही सुपर चावल मैंने लिए हैं, और तो ये ब्राउन वाले हैं, बिक के रेडी हो गए। आगे जो डालती है सब्जियाँ वो आपको दिखाती हूँ। तंदूरी तरीके से पकाएंगे, हमें पहले बगैर बगैर नहीं करना है, बहुत ही टेस्टी और एकदम अलग तरीका होगा। और मेरा पुलाव आज का अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर से करना। मैं डाल रही हूँ मेरे चावल भिगाए हुए। मैंने एक छोटी कटोरी चावल लिए थे, तो 1.5 कटोरी इतना पानी डालेंगे पहले हम। और ये डालेंगे मटर, फूलगोभी, प्याज, शिमला मिर्ची, मशरूम और टमाटर। मसाला कर लेंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 2 हरी इलायची, 1 ब्लैक इलायची, 4 नंग लौंग और यह है जावित्री, तीखी वाली मिर्ची 1 चम्मच, आधी चम्मच कश्मीरी मिर्ची, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया जीरा और 1 चम्मच नमक। अच्छे से मिला देंगे। और ये थोड़ा सा एक उबाल आए तब तक रखेंगे गैस के ऊपर। मैंने कुकर को गैस के ऊपर रख दिया है, एक अच्छे से उबाल जाने देंगे। बाद में हम तंदूरी कैसे बनाए ना वो आपको दिखाएंगे। एक बार चम्मच से मिला रही हूँ, मस्त एक उबल आने देंगे। मित्रों आप देख सकते हो बढ़िया सा उबल आ गया है, तो हम सबको उतार देंगे गैस से नीचे, गैस को बंद कर देंगे। मैंने लिया है एक मिट्टी का दिया, दिया को मैंने गैस पे सबसे पहले गर्म करेंगे थोड़ा सा। ये अच्छे से पानी के दो के लेना, 2-3 पानी से नया आता है इसलिए मिट्टी वाला होता है थोड़ा। बढ़िया सा गर्म हो चुका है, तो मैं डाल रही हूँ देसी घी। घी के अंदर डाल रही हूँ कूटा हुआ लहसुन। मैंने एक लौंग लिया है, लहसुन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। देखिए इसको फुल कर देंगे थोड़ा सा। बहुत ही सुपर, देखिए हमारा लहसुन पक चुका है घी के अंदर, एकदम बढ़िया सी आग लग रही है। गैस को बंद कर देंगे, कुकर का ढक्कन हटा लेंगे और ये हम डाल देंगे कुकर के अंदर ये के साथ में। बस ऐसे रखना है हमें और कुकर को हिला देना है बढ़िया सा। दिए को हम ऐसे रहने देंगे, कुकर को वापस बंद कर देंगे और 3 सीटी लगाएंगे। कुकर को मैंने बंद कर दिया, 3 सीटी के बाद हम कुकर को खोलेंगे। मित्रों आपने पुलाव बहुत खाया होगा, लेकिन हमारे तरीके से एकदम पकाना, और ये थोड़ी राइस है वो अलग है, वो है ब्राउन राइस है, बहुत ही सुपर होती है डायबिटीज़ वाले के लिए, एकदम स्पेशली होती है। डायबिटीज़ वाले भी के मारे खाते नहीं है चावल, लेकिन ये आसानी से खा सकते हो और एकदम अच्छे से पक जाएगी। 3 सीटी पड़ के रेडी हो गई है, ठंडा पड़े इसके बाद हम खोलेंगे। ये हवा पूरी अंदर रहने देंगे, कुकर की जो हवा होती है वो अंदर रहने देंगे, बाद में हम ठंडा पड़े इसके बाद खोलेंगे। कुकर को हम खोलते हैं,
देखिए कितना आलीशान दिख रहा है ये तंदूरी ब्राउन राइस का हमारी पुलाव। देखिए और एकदम बढ़िया सा रेडी हो चुका है। ये हम सबसे पहले दिया मिट्टी वाला निकलना है हमें, वे को निकल देंगे। बहुत ही सुपर, इसे क्या बात है, ये खुशबू तो इतनी सुपर आ रही है मुझे तो बहुत ही बढ़िया। देखिए मैं तो एक बाउल के अंदर निकाल के फटाफट खाने वाली हूँ। मैंने मशरूम भी डाले हैं, आपके पास मशरूम ना हो तो भी चलेगा, बहुत ही सुपर बनेगा बिना मशरूम के भी। लो जी हमारा तंदूरी ब्राउन पुलाव रेडी हो चुका है। चलिए मैंने एक प्लेट लिया है आटा और चम्मच रख रही हूँ, और ये मुझे लेमन पसंद है इसलिए मैं लेमन ले रही हूँ, लेमन निचोड़ के मैं खाऊंगी। मित्रों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करना, आपके घर पे जरूर से बनाना, एकदम हेल्दी और टेस्टी है। ओके मित्रों, बाय बाय मित्रों, कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।